अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वेक्स एफी टैबलेट के बारे में अब इस टैबलेट के या फिर इस मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं क्या साइड इफ़ेक्ट है कैसे लेना है और क्या इसकी प्राइस है ये सारी जानकारियाँ जो है आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा तो देखिए सबसे पहले हम प्राइस से शुरुआत करें तो तीन में ये आपको पंद्रह टैबलेट मिलती हैं तो देखिए प्राइस समय के अनुसार बढ़ता रहता है तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बताया है और ये जो है एबॉड कंपनी की है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है आप सभी ने नाम सुना होगा अब इस सर्वेक्स एफ़ी टैबलेट को कहाँ से ख़रीदना है तो देखिए इसको आप कोई भी लोकल एलोपैथी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हो या फिर अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हो मतलब ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हो बहुत सारी फार्मेसी वेबसाइट इसको सेल करती हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में या इसमें क्या क्या है सर्बेक्स एफ ही टैबलेट में तो देखिए इसमें आपको मिलेगा केवल एलिमेंटल आयरन या फिर आप इसको आयरन की मेडिसिन या टैबलेट बोल सकते हो और ये रहेगा थर्टी एम जी में अब हम बात करें इसके फ़ायदे के बारे में तो देखिए अगर आपको खून की कमी है या फिर आपको जैसे कि एनीमिया है एच कम आता है हीमोग्लोबिन कम आता है अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो और अगर उसमें एच बी आता है तो उसमें ही फ़ायदा करती है आपके खून को बढ़ाने में मदद करती है इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी ये इंक्रीज़ करने में मदद करती है तो देखिए अगर आपको खून की कमी होगी ना तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा और आपके जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं ना वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उनको न्यूट्रेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे तो इस कारण जो है आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसके अलावा अगर आपको खून की कमी होगी तो आपको कमजोरी ऐसा लग सकता है आपकी पेल स्किन हो सकती है तो इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है और काफ़ी थके थके महसूस करेंगे आप एनर्जी की कमी लगेगी और कोई भी काम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे सांस फूलने लगेगी तो इस प्रकार से एनीमिया में होता है तो खून को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है इसके अलावा देखिए भूख को भी बढ़ाती है अगर आपको एनीमिया है तो आपको भूख भी कम लगेगी अब इसके अलावा प्रेगनेंसी में काफ़ी ये सर्बेक्स एफी टैबलेट चलती है अब प्रेगनेंसी में जो है जो बच्चा होता है ना उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करती है अब इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की सर्जरी होती है ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसको देते हैं खून को बढ़ाने के लिए तो ये इसके मेन फायदे थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है मेनली ये जो है खून को बढ़ाने के लिए यूज़ में ली जाती है ये मेडिसिन अब अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में तो देखिए जनरल जो इसके डोज है ना एक दिन में एक ही टैबलेट लेना है और इसको कुछ भी खाने के पहले खाने के बाद कभी भी ले सकते हो और देखिए इसको जो है चूसना होता है ये चूसने वाली मेडिसिन है तो देखिए अगर आपको चूसने में परेशानी होती है तो आप चाहें तो इसको पानी के साथ भी ले सकते हो लेकिन अच्छा रिज़ल्ट आपको चूसने में मिलेगा आप इधर इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं अगर किसी को भी दिक्कत है तो कोई भी ले सकता है सिवाय बच्चे को छोड़ के और प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ ले सकती हैं लेकिन प्रेगनेंसी में याद रखिए कि पहले से कोई इस टाइप से मेडिसिन नहीं चलना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह करें अब इसको कब तक लेना है तो देखिए ये तो डिपेंड करेगा आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉब्लम पर तो एक से तीन महीने तक आप इसको लेकर देख सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए और प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको लंबे समय तक भी ले सकते हो या फिर प्रेगनेंसी में इसको लंबे समय तक चलाया जाता है अब देखिए साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो साइड इफेक्ट में देखिए नोजे टाइप आपको लग सकता है पेट ख़राब हो सकता है शरीर में खुजली हो सकती है तो इस टाइप से आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि हर किसी को नहीं होते हैं आप इधर कोई दूसरी मेडिसिन पहले से चल रही है तो उसके साथ इसको लेना है नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो लेकिन याद रखिए आयरन की मेडिसिन नहीं होना चाहिए बाकी इसके अलावा कोई भी हो आपके कैल्शियम की मल्टीविटामिन एंटी इसके अलावा बी की डायबिटीज़ की थायरॉयड की कोई भी हो तो ये सब ले सकते हैं अब इधर फ़ायदा कब तक देखने को मिलेगा अगर आप ये सर्वेक्स एफ ही टैबलेट लेना चालू करते हो तो, तो देखिए ये भी डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉब्लम पर तो आप कम से कम इसको एक महीना ज़रूर लेकर देखें एक महीने बाद में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इसका मिलेगा और आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक महीने बाद आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के देखिए तो उसमें आपको अलग ही रिज़ल्ट पता लग जाएगा और हर किसी पर रिज़ल्ट अलग अलग आता है लेकिन इधर मैं कुछ देखिए एडवाइस भी दूंगा जो कि आपको फॉलो करना है जैसे कि अल्कोहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है इसके अलावा जंक फूड ऑयली मीठा बाहर का खाना पीना ये सब बंद कर दें ये सब हेल्थ के लिए बेकार होता है आप हेल्दी डाइट लें हेल्दी लाइफ रखें फ्रूट्स लें फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहिए तो ये मेरी आप एडवाइस फॉलो करिए और साथ में इस सर्वेक्स एफ़ी टैबलेट को लेते जाइए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो इधर मेरे वीडियो खत्म होता है और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन